दोस्तों, एक गीत की शूटिंग हो रही थी, जिस गीत के बोल थे, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। जिस गली में तेरा घर ना हो। फिल्म का नाम कटी पतंग। गीत लिखा था आनंद बख्शी साहब ने और संगीत आर डी वर्मा साहब ने दिया था। दोस्तों, आपको इस गीत की शूटिंग की कुछ रोचक कहानी बताते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके, और लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए इस गीत की शूटिंग के बारे में जानते हैं, इस गीत की शूटिंग के दौरान क्या हुआ। जब इस गीत की शूटिंग हो रही थी नैनीताल की एक झील में, तो फिल्म के डायरेक्टर ये चाहते थे कि फ्रेम में झील का पानी, हीरो हीरोइन, बोट और पहाड़, यही सब सीन में फ्रेम में आना चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये हो रही थी, जब इस गीत की शूटिंग हो रही थी तो जो टूरिस्ट होते हैं वो बार बार इस फ्रेम में आ जा रहे थे, क्योंकि भीड़ काफी थी उस जगह पर, इसलिए शूटिंग में काफी बाधा आ रही थी। जब भी वो फ्रेम सेट करते और टेक लेते, कोई ना कोई उनके फ्रेम में सामने से आ जाता, इसलिए शूटिंग हो नहीं पा रही थी। कई बार प्रयास करने के बाद भी सही से शूटिंग नहीं हो पाई। फिल्म के डायरेक्टर काफी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा आप क्या करें, शूटिंग तो हो नहीं पा रही। तो उस दिन उन्होंने पैकअप कर लिया। उन्होंने अपनी यूनिट से कहा, चलो अभी पैकअप करो, बाद में देखते हैं क्या करना है। फिर जब दूसरे दिन वो शूटिंग पर गए, उन्होंने शूटिंग से पहले एक ऐसा काम किया जिससे उनके यूनिट के लोग भी काफी दंग रह गए। उन्होंने शूटिंग के एक दिन पहले ही रात में ही वहाँ की जितनी भी बोट थी सबको हायर कर लिया। सारी बोट हायर होने के बाद अब वो किसी टूरिस्ट को मिल तो सकती नहीं थी, क्योंकि पहले से ही बुक हो गई थी सारी बोट। उन्होंने शूटिंग स्टार्ट करी। अब चूंकि वहाँ टूरिस्ट तो थे जरूर, मगर वोटिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई भी बोट खाली नहीं थी। उन्होंने अपने यूनिट के सारे मेंबरों को उन बोटों पर बैठा दिया, जिससे कि वहाँ की पब्लिक को ये न लगे कि सारी बोट इन्होंने हायर कर ली है। इसके बाद उन्होंने अपना फ्रेम सेट किया शूटिंग के लिए, और कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, कोई बीच में नहीं आया, आराम से शूटिंग हो सकी। ये गीत राजेश खन्ना पर फिल्माया जाना था, और बहुत ही खूबसूरती से मुकेश जी ने इस गीत को गाया है। राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माए मुकेश जी के गीत काफी कम है जो राजेश खन्ना पर फिल्माए गए हों। तो दोस्तों, ये थी इस गीत के शूट होने की कहानी, जो बड़ी मुश्किलों से डायरेक्टर ने शूट की। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।